वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 11th इंग्लिश में चैप्टर मदर्स डे के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस प्ले रिटन इन द 1950s इज अ ह्यूमरस एंड सट्रिकल डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। यह नाटक 1950s के दौर में लिखा गया है। यह परिवार में माता की स्थिति को बहुत ही मज़ेदार तरीके से और व्यंगात्मक ढंग से दिखाता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the issues it raises? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे यह उठाता है? यह नाटक परिवार में मम्मियों को भी समान महत्व मिलना चाहिए इस मुद्दे को उठाता है। साथ ही में चूंकि मम्मियों को कोई भी छुट्टी नहीं मिलता तो सभी को उनकी मदद करना चाहिए, न कि उनसे हमेशा फायदा लेना चाहिए। मम्मियों को भी अपने नज़रिए पे कायम रहना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड्स को फुलफिल नहीं करना चाहिए, उनको भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द प्ले एड्रेसेस द फॉलोइंग इशूज। फर्स्ट है, मदर्स शुड बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस इन द फैमिली। सेकेंड है, सी डजेंट हैव एनी हॉलीडेज सो एवरी वन शुड हेल्प हर। थर्ड है, मदर्स आल्सो आर टू बी फर्म इन देयर स्टैंस। फोर्थ है, दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू आर्गू फॉर देयर राइट्स। इसी का सेकेंड पार्ट है, Do you think it caricatures these issues or do you think the problems it raises are genuine? How does the play resolve the issues? Do you agree with the resolution? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो प्ले है इन मुद्दों को छोटा बनाता है, या आप सोचते हैं कि जिस प्रकार से ये इन मुद्दों को उठाता है वो बिल्कुल वास्तविक हैं? यह प्ले इन मुद्दों को कैसे सुलझाता है? क्या आप इसके सुलझाने के तरीके से सहमत हैं? देखिए, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि ये मुद्दों को छोटा करता है, क्योंकि जो समस्याओं को इसने उठाया है वो बिल्कुल वास्तविक हैं। ये जो प्ले है वो इन समस्याओं को ऐसे सुलझाता है कि ऑडियंस को ये दिखाता है कि अगर मम्मी घर की जिम्मेदारियों को नकार दे तो क्या होगा, जो कि बहुत ही सही तरीका है। मैं इस प्रकार के समस्या को सुलझाने के तरीके से बिल्कुल सहमत हूँ। परिवार के हर सदस्य को मम्मी के साथ में हेल्प करना चाहिए और समय गुजारना चाहिए, जो कि परिवार में अपने मेहनत और खुशी से रंग भर देती है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, नो आई डोंट थिंक इट कैरिकेचर्स द इशूज बिकॉज द प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय इट आर जेन्युइन। द प्ले रिजॉल्व्स द इशूज बाय शोइंग द ऑडियंस व्हाट हैपेंड इफ द मदर नेग्लेक्ट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, आई एग्री विद द रिजॉल्यूशन। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली शुड हेल्प एंड स्पेंड टाइम विद द मदर हु हैज ब्रॉट सो मच कलर टू द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर टू राइट अबाउट दीज इशूज टूडे, वाट आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट यू वुड थिंक आप एज रिलीवेंट। यदि आप इन मुद्दों पर आज लिखते तो कौन सी ऐसी घटनाएँ हैं, उदाहरण हैं और समस्याएँ हैं जो आपके अनुसार आपको लगता है कि इस मुद्दे से आज के समय में रिलीवेंट हैं? देखिए, आज भी महिलाओं को लगातार भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। आज भले ही शिक्षा में प्रसार हुआ हो, लेकिन आज भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम समझा जाता है, बेटियों को बेटों की तुलना में कमतर माना जाता है, उनको संपत्ति और वंश बढ़ाने के मामले में समान अधिकार नहीं दिया जाता है। उनसे आशा किया जाता है कि वो जो हैं वो नारी वाला काम करें, माने झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चा। इस प्रकार से उनको घर में और समाज में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, इवन इन टुडेज सोसाइटी वुमेन कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी डिस्पाइट एडवांसमेंट्स इन एजुकेशन। वुमेन आर स्टिल अंडर वैल्यूड कंपेयर टू मेन। डॉटर्स आर ऑफन सीन एज इनफीरियर एंड डू नॉट रिसीव इक्वल राइट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड लिनेज। दे आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस बोथ एट होम एंड इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज डिस्कस। क्या ड्रामा या नाटक एक अच्छा माध्यम है सामाजिक संदेश देने के लिए? देखिए, ड्रामा जो है सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है समाज में परिवर्तन लाने के लिए। ये भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ता है और जटिल से जटिल मुद्दों को
अपने करेक्टर्स के थ्रू इस ढंग से एड्रेस करता है कि जो देखने वाले हैं उससे रिलेट करते हैं, लोगों को गहराई से सोचने पे ये विवश कर देता है, क्योंकि इसमें डायलॉग जो होता है वो लोगों को काफ़ी गहराई तक प्रभावित करता है। साथ ही में जो करेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी लोगों को इससे जोड़े रखता है। इसमें जो स्टोरी होता है वो लोगों को इससे एंगेज करके रखता है। यहाँ तक कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे भी ड्रामा के द्वारा लोगों के ध्यान में आते हैं, भले ही वो सामान्य पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं के विपरीत क्यों न हो। इससे लोगों में एक जागरूकता का संचार होता है ताकि वो परिवर्तन लाएं। बड़ी संख्या में देखने वालों को प्रभावित करने के लिए ड्रामा जो है एक बहुत ही मीनिंगफुल और जोड़े रखने वाला हथियार है। देखिए इसको आंसर में कैसे लिखेंगे। ड्रामा इज अ पावरफुल वे टू कम्युनिकेट सोशल मैसेजेज। इट कनेक्ट्स विद पीपल इमोशनली। एड्रेसेस कॉम्प्लेक्स टॉपिक थ्रू करेक्टर्स। दे कैन रिलेट टू एंड इनकरेजेज क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू डायलॉग एंड कॉन्फ्लिक्ट। बाई टेलिंग एंगेजिंग स्टोरीज ड्रामा कैन ब्रिंग अटेंशन टू इम्पोर्टेंट इशूज, क्वेश्चन कल्चरल स्टैंडर्ड्स एंड मोटिवेट पीपल टू मेक अ डिफरेंस। दिस मेक्स इट अ मीनिंगफुल एंड इंक्लूसिव टूल फॉर रीचिंग अ ब्रॉड ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन ग्रुप्स प्लेस आर फिल्म्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म दैट यू हैव वॉच्ड। देखिए इसमें ग्रुप में आपको डिस्कस करना है उन नाटकों या फिल्मों के बारे में जिसने समाज को परिवर्तन करने के लिए मजबूत संदेश दिया हो और जिसे अभी आपने हाल में देखा हो। देखिए इसका उत्तर आपको अपने अनुसार लिखना है। मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है। मैंने अभी स्वदेश फिल्म को हाल में देखा है जो एक भारतीय वैज्ञानिक के बारे में है जो कि नासा में काम करता है और अपने पैतृक गाँव भारत में वो वापस आ जाता है। वहाँ की गरीबी और मूलभूत समस्याओं को देख कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो भारत में रुकेगा और ग्रामीण विकास के लिए काम करेगा। वो वैज्ञानिक गांव वालों को आपस में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है और वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव लेता है, जिसके कारण गांव में बिजली और पानी आ पाता है, जिसके कारण गाँव वालों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलता है। यह फिल्म इस बात पर जोर देता है कि लोग अगर अपनी अच्छाई के लिए खुद जिम्मेदारी लें और केवल केवल सरकार पर निर्भर न रहें तो उनका विकास निश्चित है। इसी को इस कैंसर में लिखेंगे। आई हैव वॉच्ड द फिल्म स्वदेश। इट इज अबाउट एन इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग एट नासा हु रिटर्न्स टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज इन इंडिया एंड इज शॉक्ड बाय द पॉवर्टी एंड लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। ही डिसाइड्स टू स्टे इन इंडिया एंड वर्क टूवर्ड्स रूलर अपलिफ्टमेंट। द साइंटिस्ट इनकरेजेज सेल्फ हेल्प एमंग द विलेजर्स एंड टेक इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग लाइट एंड वाटर टू द विलेज। दिस लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द विलेजर्स। द फिल्म एम्फिसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन वेल बींग एंड नॉट सोलोली रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट फॉर असिस्टेंस। अब लास्ट में इस MCQ क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेज फिजराल्ड हु सेड दिस। ऑप्शन ए है डोरिस, बी है सिरिल, सी है जॉर्ज और डी है मिसेज पियर्सन। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।